हेलो 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 रति, हेलो। फोन कट गया। यहाँ होली का विशेष कार्यक्रम शुरू होने वाला है और रति मैडम का पता ही नहीं। ओह, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, होली के इस रंगारंग कार्यक्रम रंगों की फुहार लेट्स प्ले होली में आप सभी का अभिनंदन। कहते हैं शाम रंग के शाम पर चढ़े न कोई आला रंग। गौर फरमाइएगा, शाम रंग के शाम पर चढ़े न कोई आला रंग। रंग डारे जो राधा हंसकर चढ़े प्यार का गाढ़ा रंग। वाह वाह वाह, क्या बात है अमित। शुक्रिया रति, पर ये तो बताइए आप थी कहाँ। अरे वो सब छोड़ो, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आज तुम्हारे ऊपर होली का कुछ ज्यादा ही खुमार छाया हुआ है। होली त्योहार ही, थोड़ा रोमांस, थोड़ी शरारत, थोड़ी मस्ती और ढेर सारे रंगों का है। बिल्कुल, तो फिर तो तुम्हारे चेहरे पर भी रंग खिलना चाहिए। ना, रति भूल गई, सोशल डिस्टेंसिंग। इस बार होली में हमें थोड़ी दूरी बनाकर रखनी होगी, कोरोना से अपनी रक्षा, पूरे देश की सुरक्षा। तो ठीक है, तुम अपने आप को खुद ही रंग लगा लो। हाँ ये ठीक है, मेरा फेवरेट लाल और हरा और साथ ही गुलाबी। हैप्पी होली। तो इसका मतलब हमें इस बार खुद को खुद ही रंग लगाना होगा। हाँ, इस बार हम अपने हाथ से अपने चेहरे पर खुद ही रंग लगाएंगे और होली मनाएंगे। लो अब तुम रंग लगाओ। ओके। हाँ वैसे ये भी ठीक है, इस बार थोड़ी सावधानी और अगले साल पूरी मनमानी, और अब तो वैक्सीन भी आ गई है। जी तो अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखिएगा। पर अब तो बताओ आने में देरी क्यों हुई। अरे वो क्या हुआ ना, पापा ना आज गुजिया बना रहे थे। गुजिया अंकल के हाथ की, कहाँ है, लाई नहीं। वो क्या हुआ, मैंने सोचा कि क्यों ना पहले जाकर अपने दर्शकों को और तुम्हें होली की मुबारकबाद दे आऊँ। दे दी मुबारकबाद? नहीं अभी देती हूँ। तो जल्दी से मुबारकबाद दो और जाओ गुजिया लेकर आओ। ओके ओके, हैप्पी होली टू एवरीवन। हैप्पी होली अमित। हैप्पी होली रति। अब जाओ और जल्दी से गुजिया लेकर आओ, ये लो गुलाल। होली के मौके पर अंकल के हाथ की बनी गुजिया, आ हा हा हा, और आंटी के हाथ के बने दही बल्ले। उम्मीद है कि आप भी अपने घर परिवार में होली का आनंद ले रहे होंगे, लेकिन एक दूसरे का हाथ भी जरूर बताइएगा। ये ना हो कि एक व्यक्ति तो रंग में डूबा हो और दूसरा घर के कामकाज में। तो आइए आज के इस गीत संगीत का सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले होली का रंग संजोली के संग। प्रस्तुत है अवध की प्रसिद्ध लोक गायिका संजोली पांडे। बिगड़ी रंग डारो ना, रंग डारो ना काना
हमारे दर्शकों को बताइए कि अवध में होली किस तरह मनाई जाती है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बिल्कुल दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मैं अवध से हूँ और बचपन से ही मैंने अवध की होली को ही जिया है। हर जगह होली तो एक सी होती है, वही अबीर, वही गुलाल, वही रंग, वही मस्ती, वही धूम, लेकिन अवध की होली की एक खासियत है वहाँ के अवधी के होली गीत, जो कि हमारी अवधी बोली भाषा में होती है, और उसके बिना हमारी होली रंगीन हो ही नहीं सकती। तो ये हमारी खासियत है कि जब तक अवधी के फाग न गाए जाए तो वो होली सुनी मानी जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको और आपके साथी कलाकारों को हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को भी अपनी तरफ से होली विश करिए। तो हैप्पी होली टू एवरीवन। हैप्पी होली। वाह, अवध के खूबसूरत रंग, संजोली जी की प्रस्तुति का तो मजा ही आ गया। लेकिन ये रति कहाँ रह गई? गुजिया लेने गई थी, अब तक आई नहीं। आ गई, ये लो। सुनिए, दिल खुश कर देता। कैसी लगी? जे मुएच मिठी जई चाशनी लगे, ते होली दा रंग होर सज्जे। की गल है, की गल है, तुसी ते पंजाबिया दे रंग च रंग गए हो। कुड़िये, पंजाबियों की शान बखरी। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। हम पंजाबियों की तो सारी बात ही अलग है। हमारा खान पान, हमारा कल्चर, हमारा भांगड़ा, साढ़े पंजाबियों की तो हर गली वखरी है। तुसी सिर्फ गल्ला ही करोगे तो साढ़े दर्शकों वास्ते कुछ दिखाओगे भी सही। हाँ, तो आइए, प्रस्तुत है पंजाबी फोक एंड डांस। और तब तक मैं आनंद लेता हूँ इस गुजिया का। एक मुझे भी। बुरा ना मानो, होली है।
ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇਰਾ ਓ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੂਰੇ ਨੱਚਦੀ ਸੂਤ ਪਿਆਰੀ ਜਿਤਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਮੇਰੇ ਆਣ ਦੀ ਸੌ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੀ ਸੁਣੀ ਲੱਗਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਓ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੀ ਸੁਣੀ ਲੱਗਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ
सुमन जी पहला तो यह दसीए कि पंजाब विच होली किदा मनाई जाती है। पंजाब विच होली आनंदपुर साहब के मेले ते मनाई जाती है या पिंडा चों अपने ट्रैक्टरां ते घोड़ियां ते या अपने बैल ते सारे किसान इकट्ठे होकर मेले नूं जांदे आ ते ओह उस रंग विच होली मनाउंदे। ते तुसीं बोलियां वी प्रस्तुत कीतियां हैं? हाँ जी, बोलियां गईयां सीगियां। बोलियां दा की अर्थ हैगा? बोलियां दा अर्थ है कि जदों साडे नौजवान भंगड़ा पाउंदे ने असीं पिछे वीर रस बोलियां जो साडे लोक नायकां नाल जुड़ियां हुंदियां ने असीं उहनां नूं नाल गाउंदे आ तां कि इहनां नूं जोश मिले ते इह होर जोश नाल भंगड़ा पा सकण। ते जोश नाल किवें तुसीं होली मुबारक करोगे दूरदर्शन ते व्यूअर्स नूं? ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ? ਹੈਪੀ ਹੋਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਰ ਜਾਨਦਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖ ਕਰ ਸੱਚ ਬਤਾਈਏ, ਆਪਕੇ ਵੀ ਪੈਰ ਥਿਰਕ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ? ਸੱਚ ਬਤਾਊਂ ਅਮਿਤ, ਮੁਝੇ ਲਗਾ ਥਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੀ ਕੀ ਹੋਲੀ ਥੋੜੀ ਰੁਖੀ ਸੁਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਧੂਮ ਧਮਾਲ ਦੇਖ ਕਰ ਮੁਝੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਅਭੀ ਤੋ ਮਜ਼ਾ ਆਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਆ ਹੈ, ਆਗੇ ਆਗੇ ਦੇਖੀਏ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ। आगे क्या है? छोरी ताऊ से मिलेगी। हाँ, ताऊ? किसके ताऊ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ छोरी, तेरे पल्ले आराम से, कोई बात पड़ी है के? आहा, तो तुम हमारे हरियाणा के भाई बहनों की बात कर रहे हो। जे बात, तो चलते हैं हरियाणा, जहाँ हर किसी के दिल में बहुत सारा प्यार बसा है। और इसी प्यार को बांटने और रंगों को और रंगीन बनाने हमारे साथ हैं हरियाणा फोक आर्टिस्ट की टोली। लेट्स प्ले होली। छोड़ के पिया ना जाइए परदेश।
जीत के आवे हो जमन की हो जमन की हो जमन की पूरी है जब आके लाग लड़ावे हो जमन की पूरी है जब आके लाड लड़ावे सुंदर लोक नृत्य प्रस्तुति। पारुल जी, आप हमें ये बताइए कि हरियाणा में होली किस तरह मनाई जाती है? हमारे हरियाणा में त्योहार की तो बातें अलग हैं। जब बात आ होली की तो उसका तो के कहना। होली में होली देवर और बाबी के बीच में खेली जावे है, जिसमें देवर बाबी के रंग लावे और बाबी उसके बच्चे कोड़ा लेके बाजे है। आप सभी को हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को भी होली की शुभकामनाएं दीजिए। होली है रंगों की फुहार, लेट्स प्ले होली। इस कार्यक्रम में मानो देश के अलग अलग प्रांतों की मिट्टी की खुशबू समा गई हो। अमित, कृधा, रति, क्या? अमित, धा धा कृधा। अरे बाबा क्या? धा धा कृधा, धा धा कृधा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें चाहे कुछ समझ आए या ना आए, लेकिन कथक की महिमा पूरा विश्व समझता भी है, जानता भी है और मानता भी है। हाँ, कथा कहे सो कथक कहलावे। तो आइए देखते हैं इंडियन क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस। प्रस्तुत कर रहे हैं मर्यादा कुलश्रेष्ठ निगम और ग्रुप। Na 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 na
सवारी में हारी जा जा जी, मैं हारी जा जा जी, मैं हारी जा जा जी। आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी है रसिया। आज भी रज में होरी है रसिया, आज भी रज में होरी है रसिया। आज भी रज में ओ आज भी रज में हाँ, आज भी रज में होरी है रसिया। चुम चुम चननन चुम चुम चननन, नटवर नाचत गोप ग्वाल संग, लेले हाथ कनक पिचकारी, भागत इत उतरा था प्यारी, गिरी नहीं आवत कृष्ण मुरारी, जिगि थई जिगि थई जिगि थई त्राम तत थई 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 तत थई। उड़त गुलाल लाल वय बादल, उड़त गुलाल लाल वय बादल, केसर रंग जग जोरी रे रसिया, केसर रंग जग जोरी रे रसिया। आज भी रज में हा, आज भी रज में हा, आज भी रज में होरी रे रसिया, 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 आज भी रज में होरी है रसिया, होरी है होरी है। आज भी रज में होरी है रसिया, आज भी रज में होरी है रसिया, आज भी रज में होरी है रसिया, आज भी रज में। आज आप इस कथक नृत्य के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं होली का? शास्त्रीय नृत्य और संगीत दोनों ही जब हम त्यौहार मनाते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति की वो कहानियाँ कहता है जो हम भूल चुके हैं, जो आज की युवा पीढ़ी भूल चुकी है। तो जो हम ऐसे जो आज हमने होली खेला, ये एक पारंपरिक तरीका है ब्रज का, जो फाग की होली खेलते हैं वह फूलों से रंग से, तो यह एक खूबसूरत तरीका है। और मुझे लगता है इस तरह से हम लोग जो कलर का यूज़ करते हैं या जो भी और भी जो आज के आधुनिक तरीके जिससे हम खेलते हैं, उसकी जगह इस तरह की होली अगर हम खेलते हैं तो ये इको फ्रेंडली भी है और सबको अच्छा भी लगता है और देख के एक ताजगी महसूस होती है। आपको और आपके साथी कलाकारों को हमारी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से और मेरे साथी कलाकारों की तरफ से आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। हैप्पी होली। इतना मीठा संगीत, ऐसा लगता है जैसे कानों में मिश्री सी घुल गई हो। तो कुछ मीठी मीठी हंसी भरी बातें भी हो जाएं। अरे क्या सोचकर मुस्कुराने लगी? अरे वो क्या हुआ ना, कल मुझे किसी ने ना एक जोक सुनाया। अच्छा। उस बस उसी को ही सोच कर ना हंस रही हूँ, तुम्हें सुनाऊं? हाँ। तो सुनो। दूर से देखा तो बच्चे पास बुला रहे थे, ध्यान से सुनना जी। दूर से देखा तो बच्चे पास बुला रहे थे, पास जाके देखा तो बच्चे जान खा रहे थे। ओ, अच्छा, इस पे हंसना था क्या? हाँ। रति, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत खराब है। बुरा ना मानो, होली है। होली है तो हास्य रंग भी होना चाहिए। मंच पर स्वागत कीजिए हास्य कवि महेश गर्ग बेधड़क जी का। बहुत बहुत अभिनंदन और होली मुबारक। हैप्पी होली महेश जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं होली पर, और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को भी होली के इस पावन मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। होली का मौका है और ऐसा कैसे हो सकता है कि चेहरे पर गुलाल ना हो? बिल्कुल, तो आपको किसने रोका है? लगाइए। कोरोना, कोरोना ने रोका है। रति, याद है ना
थोड़ी दूरी बहुत जरूरी। बिल्कुल महेश जी, इस साल हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और अपने चेहरे पे खुद को खुद ही रंग लगाना होगा। बिल्कुल सही, और कोरोना से बचाव के लिए किसी भी तरह का तनाव न पालें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और बार बार हाथ धोने की आदत डालें। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज आपने दिया भेदड़क जी, पर मेरे अंदर ये एक जिज्ञासा है कि हमारे पास गुलाबी रंग है, लाल, हरा, पीला, लेकिन ये हास्य रंग कहाँ मिलता है? देखिए, हास्य की कोई कोचिंग क्लास नहीं होती, अंदर जीने की मस्ती हो तो हास्य कहीं भी पैदा हो जाता है, छोटी छोटी घटनाओं से हास्य निकलता है। मुझे याद है एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ एक फिल्म देखने के लिए गया, कुछ कुछ होता है, इंटरवल तक तो कुछ हुआ ही नहीं, तो जब हम फिल्म देख के लौटने लगे तो पत्नी बोली, आप मुझे इतना प्यार नहीं कर सकते जितना शाहरुख खान काजोल को करता है। मैंने कहा, दोनों की परिस्थितियाँ डिफरेंट हैं। पहली बात तो ये कि उसे प्यार का नाटक केवल 3 घंटे ही करना है, यहाँ तो जिंदगी भर का मरना है। दूसरी बात ये कि उसे प्यार करने के 3 करोड़ रुपए मिलते हैं, यहाँ मिलना करना तो दूर, जिस दिन ढंग से प्यार कर लो तो 10-5 हज़ार की चोट लगना तो मामूली चीज। और तीसरी और सबसे बड़ी बात ये कि उसे जिससे प्यार करना है वो उसकी खुद की बीवी नहीं। यही कुछ इंसेंटिव हैं जो सीन में जान डाल देते हैं। मैं जानता हूँ कि जो दर्शक अकेले बैठे हैं वो मेरी कविताओं का पूरा आनंद ले रहे हैं, और जितने लोग भी जोड़े से बैठे हैं वो तो पहले मेरी बात सुनते हैं, फिर एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और तब हंसते हैं। आतंकवाद इसे ही कहते हैं। बहुत खूब महेश जी, एक बात बताइए, क्या सारे के सारे व्यंग जो हैं वो सिर्फ पत्नियों पर ही होते हैं या फिर पतियों पर भी होते हैं? नहीं, देखिए, व्यंग की एक फितरत होती है कि व्यंग हमेशा जो ताकतवर होता है उसके ऊपर होता है, जैसे कि राजनीतिज्ञों के ऊपर व्यंग होता है या किसी बड़े सेठों के ऊपर व्यंग होता है। केले के छिलके पे अगर दुबला पतला आदमी फिसल जाए तो उसमें हंसी नहीं आएगी, उसमें संवेदना होगी। और आप जानते हैं, पति पत्नी के रिश्ते में तो पत्नी ही बेटर हाफ कहलाती है, बेचारा पति तो हमेशा से दबा कुचला सा रहता है, तो उसके ऊपर व्यंग क्या होगा। पर क्योंकि भेदड़क जी, इस कार्यक्रम में हमने देश के अलग अलग जो प्रांत हैं उनकी संस्कृति को उजागर किया है, ऐसे में अगर ब्रज की होली का जिक्र ना हो तो फिर होली अधूरी रहती है, तो आप ब्रज भाषा में कोई कविता प्रस्तुत कर सकते हैं? बिल्कुल, एक रचना में सुनाता हूँ कि एक बेड़ई जिसे बोलते हैं, बेदमी पूरी कई लोग बोलते हैं, हाँ जी, कि अजब आगरा गजब जायका बेड़ई और कचौरी में, अजब आगरा गजब जायका बेड़ई और कचौरी में, बोले होरा खावे यो लल्ला अब की होरी में, और तब बरसाने में बसते थे अब हर थाने में बसते हैं, प्यार मोहब्बत कैसे होगी छोरा में और छोरी में। तब बरसाने में बसते थे अब थाने में बसते हैं। बहुत खूब, भेदड़क जी आगरा से हैं, इनसे हम ये हास्य की ये बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन क्यों ना रति पहले अपने दर्शकों को ब्रज ले चले। तो चलिए चलते हैं ब्रज की ओर। महीना शुरू है जाए का होए बता दूं, बोलो ना, बोलो हाँ जी, जब ते ये फागुन मास लगो तो मचो ब्रज पूधम खोरन खोरी, रंग अबीरन फिर भाई कित देखूं से तैत तो होरी है होरी, हाथन बीच समाई कमोरी, अरे होरी में गोरी गोपाल बने और गोपाल बने ब्रस भान की छोरी, अरे भैया गोरी तो गोपाल बन गई और गोपाल छोरी बन गए, पर कहा कि ओ कन्हैया आ जइयो Oh,
सबर बरसत है, कंचन पिचकारी तक मारत बिहारी नीर, कंचन पिचकारी तक मारत बिहारी नीर, लाल बलवीर अंग प्रति दरसत है, सज्जन से छतन से चरो घंटे मोघंटे आज नंद लाल पे गुलाल बरसत है। देख रहे हैं कार्यक्रम रंगों की पुहार, लेट्स प्ले होली। होली मौका है मिलने मिलाने का, गीत गुनगुनाने का और हंसने हंसाने का, और इसलिए हमारे साथ हैं हास्य कवि महेश कर बेधड़क। महेश जी, आप तो एक इंजीनियर हैं, तो फिर कवि कैसे? नहीं देखिए, कवि होने के लिए किसी पाठशाला की आवश्यकता नहीं है, अंदर जीने की मस्ती हो तो हास्य कहीं भी पैदा हो जाता है। अच्छा, कवि होना बड़ी फजीयत की चीज़ है, और उसमें भी हास्य व्यंग का कवि होना और भी बड़ी फजीयत है। यूँ समझिए कि अपनी पूँछ में आग लगा करके मोहल्ले में रोशनी करने जैसा काम। मुझे याद है, एक सज्जन मेरे पास आए, कहने लगे बेधड़क जी, घड़ी और लेडीज में तुलना कीजिए। बोले घड़ी और लेडीज में तुलना कीजिए, मैंने कहा लीजिए, दोनों ही घूमने से नहीं थकती, दोनों ही रात दिन टिक टिक करती हैं, और दोनों के लाइट मॉडल आजकल ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो सज्जन कहने लगे कि समानताएं तो सटीक हैं, कोई अंतर बताओ। मैंने कहा ठीक है, अंतर सुन लो, घड़ी और लेडीज, एक की जब चाहे तब आप चाबी भर सकते हो, और दूसरी जब चाहे तब आपकी चाबी भर सकती है। एक की कीमत अच्छी हो तो अक्सर अच्छी निकलती है, पर दूसरी किस्मत अच्छी हो तब अच्छी निकलती है, और एक ज्यादा अच्छी हो तो चोरों की नजर रहती है, और दूसरी ज्यादा अच्छी हो तो औरों की नजर रहती है, और सबसे बड़ी बात ये कि एक बिगड़ जाए तो बंद हो जाती है, और दूसरी बिगड़ जाए तो शुरू हो जाती है। बुरा ना मानो, होली है। देखिए, मार्च के महीने में जब होली आती है, हर कोई रंगों में डूबना चाहता है, लेकिन परीक्षा का रंग भी होता है, तो हमारे जो विद्यार्थी कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि परीक्षा और होली ये दोनों ही उत्सव हैं, इसलिए इसको किसी तरीके का तनाव लेने की जरूरत ये बहुत खूब कहा। बिल्कुल। तो अगर हम बचपन की बात करें, बिल्कुल, अगली प्रस्तुति राजू सक्सेना और ग्रुप की है, और वहाँ पर हमें बचपन का रंग भी दिखेगा। बिल्कुल। तो आइए देखते हैं राजू सक्सेना और उनके साथी कलाकारों की ये परफॉर्मेंस। रंग चुनरी भीग गए सब अंग
लेके मस्तानी चाल, भर भर के गुलाल लाए झोली में। उमंग उमंग जैसे उड़ती पतंग, ऐसे होली के रंग भरे होली में। टोपी में बाल लेके मस्तानी चाल, भर भर के गुलाल लाए झोली। हाथों में चंग आज उलझे है सारे झिठोली में। मन में उमंग जैसे उड़ती पतंग, ऐसे होली के रंग उड़े होली में। राजू सक्सेना और उनके साथी कलाकारों द्वारा ये बेहद ही खूबसूरत प्रस्तुति। राजू जी और साथियों को बहुत बहुत होली मुबारक। आपको भी हमारे होली बहुत बहुत मुबारक हो, मेरे कलाकारों के की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी। मंच पर बच्चों की ऊर्जा देखते ही बनती है, तो सबसे पहले आपसे यही पूछूंगा राजू जी, कि यदि होली की बात करें तो आपकी बचपन की क्या यादें हैं, कैसे रंगों का त्यौहार मनाते थे? रंगों के बारे में बात होती है या होली के बारे में बात होती है, तो घर के अंदर खूब हमारी माँ या सिस्टर खूब होली के गीत गाते हैं, सबको दिल से मनाते हैं और सब लोग खूब अच्छा इंजॉय करते हैं। जैसा कि राजू जी आपने बताया सब गीत संगीत गाते हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि गीत संगीत का हमारे होली के त्यौहार के साथ क्या महत्व है? देखिए, गीत संगीत का होली के त्यौहार के साथ बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि उस समय कृष्ण भगवान की तरफ से ये मनाई जाती थी और हम सब उसमें शरीक होते थे, और मैं भी कृष्ण भगवान की बहुत उपासना करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, तो वो होली उन्हीं के समय से चली आ रही है। आज दूरदर्शन आकर इस कार्यक्रम में गीत संगीत का समा बांधने के लिए राजू जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार हम सब मिलकर बोलेंगे हैप्पी होली। हैप्पी हैप्पी होली। ये तो थे बचपन के रंग। बेधड़क जी, आपके बचपन की होली की क्या यादें हैं? बचपन की होली की क्या, बल्कि पूरा का पूरा बचपन ही जब पुराने फ्लैशबैक में जाते हैं, तो मैं आपको एक कविता के माध्यम से सुनाता हूँ जी। क्या भूलें क्या याद करें, मिट्टी का चूल्हा होता था घर में चक्की होती थी। मिट्टी का चूल्हा होता था घर में चक्की होती थी, घर कच्चे होते थे लेकिन यारी पक्की होती थी। वाह। चलते चलते और दौड़ते जब भी हम गिर जाते थे, उठो बहादुर बच्चे हो ये कहकर हमें उठाते थे। चलते चलते और दौड़ते जब भी हम गिर जाते थे, उठो बहादुर बच्चे हो ये कहकर हमें उठाते थे। देखो कितनी चींटी मर गई ये दिखलाया जाता था, औरों के दुख और बड़े हैं ये सिखलाया जाता था। बहुत बहुत खूब। सरकंडे की लकड़ी से घर में ही डलिया बनती थी। सरकंडे की लकड़ी से घर में ही डलिया बनती थी। दस दस बच्चों की टोली में कैसी मस्ती छनती थी। ये बच्चे कैसे समझेंगे ठाट बाट क्या होते थे, बैठ टाट पर भोजन करते और खाट पर सोते थे। अब तो हंसी ठिठोली देखे जैसे सालों बीत गए, झूठी मुस्कानों के पीछे सारे आंसू रीत गए। क्या भूलें क्या याद करें, क्या भूलें क्या याद करें। बिल्कुल, बचपन का जो वातावरण है वो आपने हमारे सामने ला दिया है। क्या मुस्कान आज के दौर में महंगी हो गई है? नहीं, मुस्कान महंगी नहीं हो गई, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम अपने अतीत से जुड़े रहें और उस सब में उसी तरीके से पार्टिसिपेट करें, जिससे कि हमारी ये मुस्कान भी बरकरार रहे और हमारी हंसी भी बरकरार रहे। आप इजाज़त दें तो मुस्कान पे कुछ प्रस्तुत करूं? जी, आपकी मुस्कान से हम अपने होश गवा बैठे। जी, आपकी मुस्कान से हम अपने होश गवा बैठे, हम होश में आने ही वाले थे कि आप फिर मुस्कुरा बैठे। वाह, क्या बात है, तुम तो शायर भी हो गए हो। बेधड़क जी का असर है बिल्कुल।
और आप कहें तो अंतिम चार पंक्तियां मैं सुनाता हूँ जी, कि खुशबुएं अपनी बिखेरो, खुशबुएं अपनी बिखेरो, मैं फिजा हो जाऊंगा, तुम हथेली पर सजा लो, मैं हिना हो जाऊंगा। बहुत खूब। खुशबुएं अपनी बिखेरो, मैं फिजा हो जाऊंगा, और तुम हथेली पर सजा लो, मैं हिना हो जाऊंगा। और ताकती कब तक रहोगी अक्ष पानी में यूं ही, सामने आकर सजो मैं आईना हो जाऊंगा, सामने आकर सजो मैं आईना हो जाऊंगा। बहुत 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 खूब। तो व्यंग तो अपनी जगह है और उम्मीद करते हैं कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई होगी, तो होली में चलते चलते क्या संदेश देंगे? होली में यही है कि अभी इस समय कोरोना काल है, तो आप थोड़ा एहतियात बरतें और उसके साथ में घर परिवार में ही जितना ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ में आप होली का उत्सव मना सकते हैं वो मनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत ज़रूरी है रति कि हम गुब्बारे को ना कहें, सिंथेटिक कलर्स को ना कहें, प्राकृतिक रंगों को अपनाएं, और आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हास्य रंग को अपनाएं। बिल्कुल, हंसना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए हंसते रहिए, खुशियां मनाते रहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। बिल्कुल, और इस कार्यक्रम की खुमारी लंबे समय तक रहने वाली है। मुझे लगता है अमित, ये सारी की सारी बातें सोच सोच कर ना मैं बहुत दिनों तक खूब हंसने वाली हूँ। लेकिन आज का हमारा ये सफर बस यहीं तक। आप सब ढेर सारी खुशियाँ मनाइए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, लजीज पकवान खाइए और हवा में गुलाल उड़ाइए। तो आपको छोड़े जाते हैं अवध की प्रसिद्ध लोक गायिका संजोली जी के साथ रंगों की पुहार। लेट्स प्ले होली। चूड़िया लैहा छो ए सैया पातारा बहिया की चूड़ी
चूड़िया लैहा छोड़ ए सैया पातर बहिया चूड़िया